राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रविंदर सिंह डोगरा ने 1 जून से अनलॉक 1 के आरंभ होते ही युद्ध स्तर पर सैनिटाइजेशन का काम सुजानपुर विधानसभा की बमसन ब्लॉक से शुरू कर दिया है। रविंदर सिंह डोगरा ने टौणी देवी तहसील के अंतर्गत आने वाली पुलिस चौकी टौणी देवी बाजार तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला को लगातार तीसरे दिन भी सैनिटाइज किया। रविंदर सिंह डोगरा ने इस सैनिटाइजेशन के बारे में पूछने पर कहा कि नियमानुसार कम से कम 3 दिन लगातार सैनिटाइजेशन तो एक जगह होनी ही चाहिए, इसलिए उन्होंने टौणी देवी पुलिस चौकी, सरकारी स्कूल व टौणी देवी बाजार को 3 दिनों तक सैनिटाइज किया, जिसका आज तीसरा दिन था। टौणी देवी में हमने सैनिटाइजेशन का काम पिछले 3 दिन से चलाया है, क्योंकि तय मानकों के हिसाब से कंटिन्यूसली 3 दिन तो सैनिटाइजेशन का काम होना ही चाहिए, जिसमें पुलिस चौकी, टौणी देवी का सारा बाजार और टौणी देवी का जो विद्यालय है जहाँ मैं खड़ा हूँ, इन तीनों जगहों को हमने पूर्णतः सैनिटाइज किया है। आज हमारा तीसरा दिन था और अब इसके बाद हम हर हफ्ते में 2-2 बार यहाँ पे सैनिटाइजेशन का काम करते रहेंगे।